तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरा चैनल बायोलॉजी विद विश्वजीत में। हम लोग हैं बायो स्टोरी में। आज जो कहानी बोलने जा रहे हैं वो है द एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। हम लोग तो सब जानते हैं कि एक लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज़ के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। और इस पेनिसिलिन के पीछे जुड़े हुए हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम। लेकिन यहाँ पे हीरो, भले ही हम लोग डॉक्टर फ्लेमिंग को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हीरो वो नहीं है, हीरो कोई और है। हीरो है एक फंगस। चलिए चलते हैं आज की कहानी में। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे एक स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर बहुत सारे रिसर्च कर रहे थे। एक दिन वो अपना लैब में बैठ के कुछ बैक्टीरिया कल्चर को अपना माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व कर रहे थे। तो जब अपना माइक्रोस्कोप में अपना बैक्टीरिया कल्चर को ऑब्ज़र्व कर रहे थे, तब क्या हुआ, उनको कोई बुला लिया और अचानक उनको बैक्टीरिया कल्चर को वहीं पे फेंक के अपना कुछ ज़रूरत काम में वो चले गए। और उसी समय वो अपना नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता में ब्रेड खा रहे थे। ब्रेड का एक टुकड़ा गिर गया बैक्टीरिया के कल्चर के ऊपर और उन्होंने वो चीज़ नज़रअंदाज कर दी और अपना लैब से निकल गए। कुछ दिन बाद तो कहीं पे चले गए थे वो, दो तीन दिन बाद वो लौट के आए और फिर जो देखे कि जो बैक्टीरिया कल्चर का हालचाल क्या है, तब तो उसको देख के वो चौंक गए थे, क्योंकि जहाँ पे ब्रेड गिरा हुआ था बैक्टीरिया कल्चर का, उसके आसपास का जो बैक्टीरिया था, उस ब्रेड से ग्रोथ हुआ फंगस के वजह से मर गया था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये फंगस का जो एक्स्ट्रैक्ट उसको निकाला जाए, इसमें ज़रूर ऐसा कुछ होगा जो उस बैक्टीरिया को मार दे रहा है। उसके बाद उस फंगस का एक्स्ट्रैक्ट वो निकाले और फिर अच्छी तरह से उसको ऑब्ज़र्व किए, और ऑब्ज़र्व करने के बाद दूसरी बार भी उनको वही रिज़ल्ट दिखा कि उस फंगस का एक्स्ट्रैक्ट के वजह से बैक्टीरिया जो है मर जा रहे हैं। और फंगस को आइडेंटिफाई किए, उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, और उस फंगस का जो एक्स्ट्रैक्ट है उसको बोला जाता है पेनिसिलिन, जो कि एक दुनिया का मेडिकल का बायोलॉजिकल साइंस का सबसे पहला एंटीबायोटिक है, जो कि डिस्कवर किया था डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में। लेकिन उसके बाद सर हॉवर्ड वाल्टर फ्लोरे एंड बोरिस चैन बोल के दो साइंटिस्ट फ्लेमिंग का जो काम था उसको रिकग्निशन दिया था, यानी कि उन लोगों ने बताया था कि कैसे बड़े पैमाने में पेनिसिलिन प्रोड्यूस किया जा सकता है। और इस काम के लिए 1945 में फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चैन, ये तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पेनिसिलियम से पेनिसिलिन का जो आविष्कार, ये जो डिस्कवरी, ये एक एक्सीडेंट मात्र था। अगर उनके मुंह से ब्रेड का टुकड़ा बैक्टीरिया कल्चर में उस दिन नहीं गिर जाता, तो शायद हम लोग इस एंटीबायोटिक को आज नहीं देख पाते थे। और फ्लेमिंग सिर्फ इसीलिए ही इतना फेमस नहीं है, फ्लेमिंग और भी बहुत सारी चीज़ इम्यूनोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में इन्वेंट किए थे या डिस्कवर किए थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में, जो कि हम लोगों का सलाइवा या टीयर में रहता है, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल एक एंजाइम है, हम लोगों का आँखों के आंसू में पाया जाता है ये। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम को भी डिस्कवर किए थे डॉक्टर फ्लेमिंग ने। ऐसे ही हम आते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल स्टोरीज़ के साथ, बायोलॉजिकल इंसिडेंट के साथ।
बायो स्टोरी प्लेलिस्ट में। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर बटन दबा दीजिए। थैंक यू ऑल।